मूवमेंट जो हल्की उन वक्त में टे सौ अस्सी पचासी साल की शै हल्की मकसद यो रो इंसानियत के एक नजर से ठो तो भाई हाँ हि वो हि नो हि अमीर हि गरीब उनके बराबर उन सदन मिशन के हाँ केतरा आम तरीके से नारा मशहूर साहब तो भाई खेड़ो ही खाओ वक्त की तक या जो साहब शहीद जत या जो वेझो दरगाहों हुई उन खिलाफ़ छो इन नजरिए मेको है सो शेल्टर से मिलो होटा उन्होंने मेको है सो एक तरीके से उस नथे दिनों ये गाल थी बागारे तंजीम वे रही गाल हलती रही आखिर तीन शुरुआत आखिर तीन अज भी ऐसो पाँ खे के छे यानी मुख्य जर्मनी में अमेरिका में मेलू कहें साइड है साइड है सोनी सत्तावी फॉरवर्ड मुझे पुछन था बागारे भाई खाली साइट से साहब शहीद के फिक्र यानी थोड़ी तशरी कई है तो भाई इन मानू जो हि प्रोग्राम जो तहत ही शहादत कई वही इनके तहत ही खिलाफ़ मू कराया पे इन तहत ही हुकूमत की बगावत बुधा वे तो भाई अवज यानी हुकूमत के खिलाफ़ एक जहाज ठाए तो अवे समूह से तो असुल जो फिक्र नजर इंसान जात की खिदमत कर उनके बराबरी के हक दे तो गाल दुनिया साथी क्यों सागे तरीके से जो तसव रस्तों जो रब के राह पर वी तो उनको नजर वो अजय बदल अज जैसे सदन शहादत जो टाइम आयो खान पुछो तहजी आखिर ख्वाहिश कड़ी तो पा फरमा जैसे इश्क के चश्मे का विजू कर किताब लिख नंढे वे जनाद की मुराद समझो जैसे इश्क के चश्मे का विजू कर नंढे वे जनाद पढ़ी छो पा सिर मुबारक मथे कर एक दफा सजे जिंदगी में यह आमोस ताई मारी तो मजाक तो कर बस इन लफ्जन का साहब शहीद की सजी हिस्ट्री कैसे हमोस कही वजह हुई पा साई जानला शाह के वापस रोड़ी मोकले साई जानला शाह जे तरीके से जंग जो आगाज कयो पे उनकी मुमानियत हुई जैसे पा जंग जो शुरू थी चुकी हुई हर मौके से हर महाद से जो सिचुएशन बीठी थी जाना शाह यह गाल कई तो कैमल अं घोड़न के रिकेब में पेर ही को पवंदा तो इन जहान में ही को हूँ जाला शाह की रोड़ी इतने पा सर अभी वापस वो इन ही गालों पा सजो जो संदन फैज रो हे सुदीप हाँ किताब को भी वजह है अज ढी सुधी जात पदरी कानी इन की भी वजह है जाहिर पान के लिखा रखो अज भी असो अस
हाँ थोड़ो घो अस जवाब दूँ अखबार के थ्रू या बो टो पर अगे जे जो सद अस माठी गई कें लांगा सद के सद के सद बहरहाल जै जितनी दिल खुश कर सको उन्हें अस कई तद अस खामोश रहस यो सदन फिक्र जो हिस्सो हो या भी तलकीन है अस पुठियन के लिए पा फरमाय जैसे सैद सदाई तो तक पिणण की आदत पी पर मू तुरा पर मुझी गाल याद रख जै दर से एकड़ो दफो यानी वनो बारह महीने का आगे वरी उन दर से ना वजह वसियत होदा वो मू पी मिल्कियत जो हिस्सो कढ़ी उन्होंने मानून के तो दे तहां खाओ तहां विरायो तहां आबाद कर पान भी खाओ भांडार जो समझदार परसेंटेज याद हो केतरो हिस्सो रखियो एक जितरो को ना एक जितरो को नो वडा की वधी किया जी वधी गया भांडार ना वधी के पर ये मतलब तकरीबन बराबर ही जो वो भी होदा पे खानदान से यो रखो तो न सैद न सदाजो जात जाहिर न कजो हाँ जैसे लांगा हुआ तो इराक सुधी बीठो सब मुतफिकन तो भाई बाकी साहब जो खानदान या फैमिली इराक आई जो इराक आई तो को तो भेड़ लांगा उत हों कुर्द वेठा बया वेठा केतर जात बी वेठ अजी देते इराक में कोई लांगा तेखा को तो जाहिर ही को नको इराक की संधि तारीख भी कोई अड़ी कौम मिले थी उत उनकी भी का निशानदेही को बाकी अस लांगा थियासी कि चुप रुगो इन कर मन न गाल कुछ न जाहिर करो तो संत जैसे शहादत का कुतुबखाना हुआ उनके बाहि दी साड़ियों छो जो उन्होंने खबर हुई जैसे ये किताब निकता अल केतरा इनायत ठही पा उन्होंने साड़ियों बाकी चंद किताब या उ सीना पसीना रवायतू जी हलियो से सूदी भी हल्दी थन कुछ हिस्सन के समझो जो गुलमो साहब लास्ट ईयर कटो उन में कुछ मवाद दिनोसी तेरे तरीके से थोड़ो घो मुख्य चिट्ठी याद गिरी किताब आहिब से बैसरनामे नाले से मशहूर बैसरनामो चाहिए जो साहब शहीद की शहादत का सिर मुबारक जो बैत दिना उनको मजमू बैसरनामो तो मुझे दादे के वक्त में सही सतार साई वक्त में पा वो छपरायू वफाई प्रेस हुई कराची में अली नवाज वफाई नालोदीन मोहम्मद वफाई प्रेस उत पा बाइंडिंग छपाने जो बाइंडिंग सो प्रूफ ठाया बया सब मुझे दादे की मौजूदगी में दीन मोहम्मद वफाई तमाम इज्जत मौत कल वो जेडी मल बाइंडिंग जो टाइम आयो विचा कट अज कें प्रेस में हर अड़ो वाक्य थो ही को तो बाइंडिंग लाई शे अचे उन जिते उनके सेट कबो तो बावजूद से पूरे अध अध थी के बैत अध पा उ नास्ते में खड़ी आया चुना इजाजत वो उत बंद